इस टाइम पे अगर हम लोग एक कंप्यूटर लेने की प्लान करते हैं तो उस कंप्यूटर पर जो स्टोरेज टाइप है वो कौन सा लेना चाहिए, इसमें बहुत सारा यूज़र कंफ्यूज हो जाता है। वो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज टाइप है वो SSD लेना चाहिए या फिर HDD लेना चाहिए। तो इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि SSD का मतलब क्या है और SSD का एडवांटेज क्या है और HDD एंड SSD के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि व्हाट इज SSD। तो यहाँ पर जो SSD है इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो SSD है इसको आप पकड़ सकते हैं कि कंप्यूटर का जो स्टोरेज टाइप है उसका एक नया जनरेशन या फिर एक नया टेक्नोलॉजी है। HDD की तरह SSD भी जो कंप्यूटर का डेटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उन सभी चीज़ को स्टोर करके रखता है। अगर हम लोग यहाँ पर कुछ साल पहले की चीज़ को या फिर कुछ साल पहले की कंप्यूटर को देखते हैं तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ HDD ही देखने को मिलता था और अभी भी HDD आपको मिलता है कंप्यूटर पर। बट यहाँ पर HDD यूज़ करने से क्या होता है कि कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है, कंप्यूटर का जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पर सभी कंप्यूटर पे, ज़्यादातर इस टाइम पर जो कंप्यूटर है उसमें SSD का यूज़ किया जाता है। SSD जो है इस टाइम पे पहले जो प्राइस था या फिर पहले जो कॉस्ट था SSD का उससे बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। तो इसीलिए अफोर्डेबल प्राइस में भी आ चुका है SSD, और SSD इसीलिए इस टाइम पे सभी कंप्यूटर पर, मतलब ज़्यादातर कंप्यूटर पर आपको देखने को मिलेगा। एंड SSD यूज़ करने से जो कंप्यूटर का स्पीड है, कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हद तक यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए इस टाइम पर ज़्यादातर जो कंप्यूटर है वो SSD स्टोरेज टाइप के साथ आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत बात करते हैं कि जो HDD है वो कैसे काम करता है एंड जो SSD है वो कैसे काम करता है। तो जो HDD है, HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसके अंदर में एक रनिंग डिस्क रहता है जिसको हम लोग प्लॉटर कहते हैं। और ये जो प्लॉटर है इसका स्पीड जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से जो रीड एंड राइट स्पीड है वो भी ज़्यादा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ कुछ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव पर उसका स्पीड लिखा हुआ रहता है। लाइक किसी हार्ड डिस्क पर ये लिखा हुआ रहता है कि 5201 RPM, कुछ पर ये लिखा होता है कि 7200 RPM। यहाँ पर RPM का जो मीनिंग है वो है राउंड पर मिनट, मतलब वो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है उसमें जो प्लॉटर लगा हुआ है वो एक मिनट में कितना बार घूमता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट हार्ड डिस्क पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रहता है तो उस हिसाब से ये काम करते हैं। बट जो SSD होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें किसी भी तरह का रनिंग पार्ट या फिर रनिंग डिस्क नहीं रहता है। इसमें एक मेमोरी चिप या फिर आप कह सकते हैं कार्ड लगा हुआ रहता है जिसको यहाँ पर नैनो फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। और इसी हिसाब से जो SSD है सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो काम करता है। ये जो सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD है, ये जो टेक्नोलॉजी है 1950 में स्टार्ट हो गया था। इसके बाद 1970 में एंड 1980 में ये जो है कुछ स्पेशल चीज़ पर, लाइक जैसे कि सुपर कंप्यूटर हो गया, मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर पर ही ये SSD का यूज़ किया जाता था। बिकॉज उस टाइम पे जो SSD है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था एंड जिस हिसाब से प्राइस रहता था उस टाइम पे उस हिसाब से स्टोरेज नहीं मिल पाता था। तो एक नॉर्मल यूज़र इस SSD उस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन साल 2000 के बाद ये जो SSD है ये थोड़ा सा पॉपुलर होना स्टार्ट हो चुका, थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा। एंड एक नॉर्मल यूज़र को भी ये पता चला कि SSD लगाने से उसका जो कंप्यूटर है उसका परफॉर्मेंस मतलब हाई हो सकता है, स्पीड अच्छा खासा उसको मिल सकता है। एंड 2000 साल के बाद क्या हुआ कि SSD का जो प्राइस है वो थोड़ा सा कम हुआ एंड इस टाइम पे तो SSD बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आ रहा है। एंड उसके बाद क्या देखा गया कि प्राइस के हिसाब से जो स्टोरेज है वो भी सही मिल रहा है यूज़र को। एंड इसके बाद क्या हो कि SSD धीरे धीरे यूज़र के बीच में पॉपुलैरिटी गेन किया अपना, और इसीलिए इस टाइम पे जो ज़्यादातर कंप्यूटर है उसमें आपको SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव देखने को मिलता है। बट पहले SSD होता था, 1950 में SSD टेक्नोलॉजी आ चुका था, लेकिन उस टाइम पे जो SSD टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता था एंड प्राइस के हिसाब से स्टोरेज यूज़र को नहीं मिल पाता था। इसीलिए उस टाइम पे जो सुपर कंप्यूटर होता था उसी जगह पे SSD का यूज़ किया जाता था। अब यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में
SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव क्यों बेहतर है, मतलब HDD वर्सेस SSD। तो SSD जो पहले जिस मतलब SSD का जो पहले प्राइस था उससे बहुत ही ज़्यादा चीपर हो चुका है इस टाइम पर। इसीलिए इस टाइम पे ऑफिस में, बिजनेस में एंड एक नॉर्मल यूज़र की कंप्यूटर पर भी आपको SSD देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि SSD यूज़ करने का एडवांटेज क्या है कंपेयर टू HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। यहाँ पर आपको सबसे पहला जो एडवांटेज मिलने वाला है वो है कि अगर आप ह्यूज अमाउंट में डेटा एंड प्रोग्रामिंग को लेके काम करते हैं तो फिर आपको चाहिए अपने कंप्यूटर पर फास्ट स्पीड एंड डेटा ट्रांसफ़र के लिए आपको फास्ट परफॉर्मेंस स्पीड सब कुछ चाहिए। तो ये चीज़ आपको SSD में मिलेगा। SSD जो है, अगर आप SSD का यूज़ करते हैं तो आप कितना भी अमाउंट में डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्रामिंग को लेके काज करें, आप SSD यूज़ करने से आपका जो कंप्यूटर है उसका स्पीड इंक्रीज़ होगा, आपको कंप्यूटर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा एंड जो फाइल ट्रांसफ़र का स्पीड है वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है कंपेयर टू HDD। तो ये आपको सबसे पहले एक एडवांटेज मिल जाता है SSD यूज़ करने का। दूसरा जो एडवांटेज आपको मिलता है SSD यूज़ करने का वो है कि HDD के तुलना में जो SSD का ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा होता है एंड HDD की तुलना में जो SSD का साइज है वो छोटा होता है। मतलब आपको एक कॉम्पैक्ट साइज में बहुत ही मतलब पावरफुल मशीन या फिर आप कह सकते हैं पावरफुल चीज़ आपको मिलने वाला है जो कि HDD में आपको नहीं मिलता है। HDD का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा होता है कंपेयर टू SSD, बट SSD आपको कम्पैक्ट साइज में मिलता है। HDD के तुलना में तो इसका साइज छोटा होता ही है एंड आपको पावरफुल एक परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करता है। तीसरा जो एडवांटेज है वो है कि अगर आपका गेमिंग कंप्यूटर है तो फिर आपको SSD यूज़ करना चाहिए। गेमिंग कंप्यूटर पर जो मेन चीज़ है वो है परफॉर्मेंस, आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए। जो भी चीज़ आप वहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ आप ओपन कर रहे हैं वो यहाँ पर फास्टली ओपन होना चाहिए। तो SSD यूज़ करने से आपका ये सब कुछ काम होने वाले, आप किसी भी गेम को लोड करने की कोशिश करें, ग्राफिक्स की अगर मैं बात करूं तो सब कुछ आपको यहां पर अच्छा देखने को मिलेगा कंपेयर टू HDD अगर आप SSD का यूज करते हैं तो। इसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज मिलने वाला है वो है कि SSD जो है वो लो पावर कंजप्शन एक टेक्नोलॉजी है। जो HDD होता है वो ज्यादा पावर लेते हैं, तो अगर आपका लैपटॉप है, अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं तो आपको SSD ही लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप अपने लैपटॉप से अच्छा खासा बैटरी बैकअप पाना चाहते हैं, अगर आप अपने लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस से वो वहां पर अच्छा खासा लेना चाहते हैं तो फिर ये आपको HDD में इतना अच्छा खासा नहीं मिलेगा जितना कि आपको SSD में मिलेगा। SSD एक लो पावर कंजप्शन टेक्नोलॉजी है, वो क्या करेगा कि लैपटॉप का जो बैटरी है वो वहां पर पावर कम लेगा, बट जो HDD होता है वो पावर ज्यादा लेता है। बिकॉज HDD के अंदर एक मूविंग पार्ट होता है, बट SSD के अंदर ऐसा किसी भी तरह का मूविंग पार्ट नहीं है। तो अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं तो फिर आपको SSD वाला ही लेना चाहिए। इसके बाद SSD यूज़ करने से जो रीड एंड राइट स्पीड है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है कंपेयर टू HDD। एंड यहाँ पर HDD के बदले में SSD यूज़ करने का और एक जो एडवांटेज आपको मिलने वाला है वो है कि कंप्यूटर फास्टली यहाँ पर बूट होने में जो समय है या फिर जो टाइम है वो कम लेता है। मतलब कंप्यूटर फास्टली ओपन होता है, कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन है जिसको आप ओपन करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर फास्टली ओपन होता है कंपेयर टू HDD। मतलब HDD जितना टाइम लेते हैं उससे तो बहुत ही कम टाइम में ही ओपन हो जाता है अगर आपके कंप्यूटर पर SSD लगा हुआ है तो। तो ये बहुत ही मतलब ये कुछ तो नहीं बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज आपको यहाँ पर मिलते हैं SSD यूज़ करने का अगर आप वहाँ पर HDD का यूज़ नहीं करते हैं तो। अभी अगर आप एक दुकान पर जाते हैं SSD खरीदने के लिए तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ सुनने को मिलेगा, जैसे कि आपको ये सुनने को मिल सकता है कि SATA SSD, mSATA SSD, M.2 SSD, इसके बाद SSHD। तो अब ये सब कुछ क्या है? तो ये जो सब कुछ है ये SSD का ही टाइप है। SSD 4 टाइप का होता है। तो अब ये 4 टाइप का मतलब क्या है, अब बात करते हैं इन सभी चीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं SATA SSD के बारे में। तो ये जो SATA SSD होता है ये लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क होते हैं उसी तरह से देखने को आपको मिल सकता है। एंड ये जो SATA SSD है कंप्यूटर का जो SATA पोर्ट होता है उसके साथ ये कनेक्ट रहता है। ये जो SATA SSD है इसका जो क्वालिटी है वो इतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये SSD टाइप में सबसे लो क्वालिटी में आता है और मार्केट पर आपको ज़्यादातर जो ये SATA SSD ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है mSATA SSD। ये जो mSATA SSD है ये SATA SSD की तुलना में मतलब इसका जो साइज है वो छोटा होता है एंड SATA SSD की तुलना में इसका जो पावर है या फिर इसका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा होता है। बट ये जो mSATA SSD है ये सभी कंप्यूटर पर नहीं लगता है,
बिकॉज ये एक माइक्रो SSD भी आप कह सकते हैं, मतलब ये एक माइक्रो SATA SSD भी है। तो अगर आपकी कंप्यूटर पर M SATA पोर्ट है तो ही आप M SATA SSD को लीजिए, वरना आपको M SATA SSD नहीं लेना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो टाइप है वह M.2 SATA SSD। तो ये जो SATA मतलब M SATA SSD है, इसका एक अपडेटेड वर्जन है, बिकॉज M.2 SATA SSD है तो ये एक अपडेटेड वर्जन है, मतलब M SATA SSD से इसका जो परफॉर्मेंस है M.2 SATA SSD का वो ज़्यादा होगा। साइज में एक ही होता है बट परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, एंड प्राइस में भी आपको जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसके बाद जो लास्ट आता है वह SSHD। ये जो SSHD है इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव। इसको आप कम्प्लीटली SSD भी नहीं कह सकते एंड इसको आप कम्प्लीटली HDD भी नहीं कह सकते, बिकॉज ये SSD एंड HDD का एक मिक्सचर है। यहाँ पर SSD का भी यूज़ किया गया है एंड यहाँ पर HDD का भी यूज़ किया गया है। अब वो कैसे, तो ये जो चीज़ है मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें जो आपको स्पीड मिलेगा, इसमें जो आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, इसमें जो आपको मतलब जो भी चीज़ मिलेगा वो सब कुछ आपको SSD की तरह मिलेगा, एंड इस पर जो आपको कैपेसिटी मिलेगा वो आपको मिलेगा HDD की तरह। मतलब यहाँ पर आपको हाई कैपेसिटी भी मिलेगा एंड आपको हाई परफॉर्मेंस भी मिलेगा, इसीलिए इसको SSHD कहा जाता है। दोनों का मिक्सचर है SSD का एंड HDD का। तो ये था 4 types of SSD जिसके बारे में मैंने आप सभी को डिटेल्स में बताया है। अब ये सब कुछ होने के बाद आप सभी के माइंड में एक सवाल ज़रूर है कि आपको SSD यूज़ करना चाहिए, आपको SSD वाला कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर आपको HDD वाला कंप्यूटर लेना चाहिए। तो अब मैं ये क्लियर करता हूँ कि आपको SSD लेना चाहिए या फिर आपको HDD लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपको किस लिए कंप्यूटर लेना चाहिए। लाइक, अगर आपका मेन डिमांड यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज लेना चाहिए, आपको रीड एंड राइट स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डेटा ट्रांसफर का जो स्पीड है उससे भी किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फिर आप यहाँ पर HDD लीजिए, बिकॉज आपका जो मेन डिमांड है या फिर जो मेन मोटिव है कंप्यूटर लेने का वह स्टोरेज। लेकिन अगर आपका डिमांड कुछ अलग है, अगर आपको रीड एंड राइट स्पीड फास्ट होना चाहिए, आपका जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो फास्ट होना चाहिए, अगर आप अपने कंप्यूटर से परफॉर्मेंस अच्छा लेना चाहिए, कंप्यूटर का जो बूटिंग स्पीड है वो कम होना चाहिए, एप्लीकेशन फास्टली ओपन होना चाहिए, तो अगर आप ये सब कुछ काम के लिए एक कंप्यूटर ले रहे हैं तो फिर आपको जो कंप्यूटर के स्टोरेज टाइप है वो SSD लेना चाहिए। तो इस वीडियो पर मैंने सभी को क्लियरली बोल दिया है कि आपको SSD वाला कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर HDD वाला कंप्यूटर लेना चाहिए, SSD क्या होता है, SSD का एडवांटेज क्या है, SSD कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।